जय माता दी। नवरात्रि के दौरान ज्यादातर अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन पैदा होती है, जो कि इस बार भी बनी हुई है। कई भक्तों का मानना है कि अष्टमी 21 तिथि अप्रैल को और नवमी 22 अप्रैल को होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको एस्ट्रोलॉजर के जरिए सही तिथि बताएंगे। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। वैसे तो नवरात्र के सभी 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, और नवरात्र का पर्व हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय मूल के लोगों द्वारा बड़ी श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन नवरात्रों में घट स्थापना तिथि की तरह अष्टमी और नवमी, ये दो तिथियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहती हैं। ये विशेष दिन होते हैं, इसलिए माँ के भक्तों को इन दोनों दिनों का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है, और दोनों ही दिन माँ के भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ देवी दुर्गा की उपासना करते हैं। इस दिन भक्तगण देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए कन्या पूजन भी करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि नवरात्रों को ही सृष्टि का संचार हुआ था, खासकर नए चैत्र नवरात्रों में जो सृष्टि है इसमें शक्ति का संचार हुआ था, ऐसी मान्यता है। सृष्टि इससे पहले शक्ति विहीन थी, नवरात्र में उनमें अनेकानेक शक्तियों का संचार होता गया, इसलिए चैत्र नवरात्र प्रमुख शक्ति पर्व भी कहलाते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। महाअष्टमी पर महागौरी की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी जो है वो 20 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन संगी पूजा होती है और अन्नपूर्णा अष्टमी भी मनाई जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सोमवार 19 अप्रैल को सप्तमी तिथि मध्यरात्रि 12:01 तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। 21 अप्रैल को रामनवमी है, नवमी भी मध्यरात्रि 12:35 तक है। इसलिए अष्टमी व नवमी दोनों ही दिन व्रत पारण और कन्या पूजन के लिए पर्याप्त समय मिल रहे हैं। रामनवमी का जो पूजन है वो दोपहर 12 होता है, इसलिए इससे पहले देवी नवमी का पूजन कर लें। पहले शक्ति आराधना होगी और फिर रामनवमी। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 20 अप्रैल को अष्टमी तिथि पर पूजा के शुभ मुहूर्त जो है वो इस तरह से बन रहे हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 20 अप्रैल को सुबह 4:11 से 4:55 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:42 से दोपहर 12:33 तक होगा। विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर 2:17 से 3:08 तक है। गोधूली मुहूर्त जो है वो शाम 6:22 से 6:46 तक है। अमृत काल 21 अप्रैल को तड़के 1:07 से 2:58 तक है। और 21 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन जो बनने वाले शुभ मुहूर्त हैं वो इस तरह से हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 4:10 से 4:54 तक है। विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर 2:17 से 3:09 तक है। गोधूली मुहूर्त जो है वो शाम 6:22 से 6:46 तक है, जबकि रवि योग जो है वो 7:59 से 12:29 सुबह अप्रैल 22 तक है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें देवी माँ के स्वरूप के रूप में छोटी कन्याओं को मिष्ठान और व्यंजन का भोग लगाया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वे 20 अप्रैल को कन्या पूजन करें, और जो लोग नवमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं वे सभी लोग 21 अप्रैल को कन्या पूजन करें। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।